ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ରୂପାନିଧି ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାନିଧିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀ କେ ବି ସିଂହଦେଓଜୀ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଆଗରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ରାଫେଲର ବିଷୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଘୋଷଣା ପରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ରାଫେଲର ଖୁଲାସା ହେଉଛି ରାଫେଲ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ସେହି ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ବିଜୟ ରୂପାନିଧି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଦରଣୀୟ କେ ବି ସିଂହଦେଓଜୀ, ଆଦରଣୀୟ ସମୀର ମହନ୍ତାଜୀ, ଆଦରଣୀୟ ଶ୍ରୀ ବକ୍ସି ପାତ୍ରାଜୀ, ଆଦରଣୀୟ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରାଜୀ, ଉପସ୍ଥିତ ସଭି ମିଡ଼ିଆ କେ ଭାଇ ବହନ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେ ପୁରେ ଦେଶ ମେ ଆଜ ଲଗଭଗ 70 ସେ ଜ୍ୟାଦା ନଗରୋ ମେ ଦେଶ କେ ଅଲଗ ଅଲଗ କୋନେ ମେ ବିଶେଷ ରୂପ ସେ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ କା ଆୟୋଜନ କିଆ ହେ ଔର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେ ଅଲଗ ଅଲଗ ଲୋକୋ କୋ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ କେ ଲିଏ ଅଲଗ ଅଲଗ ପ୍ରାନ୍ତ ମେ ଯୋଜନା କେ ଅନୁସାର ସବକୋ ଭେଜା ହେ। ମେରେ ଲିଏ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ କି ବାତ ହେ କି ମୁଝେ ଆଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପକା ଦର୍ଶନ କରନେ କା ମୁଝେ ମୌକା ମିଲା ଔର ଆପକେ ବୀଚ ମେ ଗୁଜରାତ ସେ ଆଜି ସୁବହ ଆପକେ ବୀଚ ମେ ଆୟା ହୁଁ। କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ହେ କେ ଓଡ଼ିଶା କେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ ଗୁଜରାତ ଗଏ ଔର ଗୁଜରାତ କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ନାତେ ମେ ଆପକେ ବୀଚ ଆଜ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଆୟା ହୁଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ରାଫେଲ ପର ଜିସ ତରିକେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ନେ ଝୁଠା ଏଲିଗେସନ ଲଗାୟା ଥା ଔର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କେ ଫୈସଲେ ସେ ଏ ସାବିତ ହୋ ଗଯା ହେ କି ଦୁଧ କା ଦୁଧ ଔର ପାନି କା ପାନି। ସବସେ ପହଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କା ଫୈସଲା କା ହମ ସ୍ୱାଗତ କରତେ ହେ ଔର ସତ୍ୟ କି ଜିତ ହୁଈ ହେ ଔର ଝୁଠ କି ହାର ହୁଈ ହେ। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କେ ଫୈସଲେ ସେ ଯେ ସିଦ୍ଧ ହୁଆ ହେ କି ଝୁଠ କେ ପାଉ ନେ ହୋତେ ଔର ବିଜୟ ହମେଶା ସତ୍ୟ କା ହୋତା ହେ। ସରକାର କେ ଖିଲାଫ केंद्र सरकार के खिलाफ जानबूझकर झूठ फैलाया गया था और लेकिन झूठ की उम्र बहुत ही नहीं होती है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से यह साबित हुआ है कि राफेल डील में कोई अनियमितता नहीं थी और उच्चतम न्यायालय का फैसला निर्णायक है और सौदे के बारे में किसी संदेह की गुंजाइश भी नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में राफेल सौदे को लेकर चार अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी। इसमें मुख्यतः तीन विषयों निर्णय की प्रक्रिया, इनकी कीमत और ऑफसेट पार्टनर के चुनाव पर सवाल उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट फैसला दिया है कि इसमें जांच की कोई जरूरत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक के खिलाफ भी बता रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस की यह मानसिकता है सत्ता पाने के लिए ये किसी की बात सिर्फ राहुल गांधी की बात ही सच है। ऐसी उनका रवैया ये खुलापन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सब बता दिया है फिर उसके फैसले पर टिप्पणी करना वो भी सुप्रीम कोर्ट को नकारना जैसी बात है। सर आप तो बोलते हैं राहुल गांधी इस्तीफा दें, कौन सा पद से इस्तीफा दें, वो तो हमें कुछ नहीं। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाई साहब, वो एआईसीसी से इस्तीफा देना चाहिए।
सर इसमें जेपीसी प्रोब करने में प्रॉब्लम क्या है? क्या जेपीसी प्रोब अगर किया जाए तो उसमें सरकार नहीं नहीं क्यों जेपीसी जेपीसी जब भी होता है जब भी कुछ खोखला होता है क्योंकि आज संसद में चर्चा करने के लिए हम तैयार है का ये है कि अरे भाई करे वो तो करे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लीन चिट दे दिया तो फिर उसके बाद क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई नहीं है मेरिट के ऊपर नहीं बोला है तो अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने तीन पहलू क्लियर कर दिए उसने इस सब राफेल के डीलिंग का जो कुछ सामने मामला आया है उसको बता दिया है और दूसरी बात हमने सवाल उठाया है कि 7 साल आप लोग थे आपने ही राफेल का स्टार्ट किया था तो 7 साल में आपने क्यों फाइनलाइज नहीं किया और क्यों लटका रखा था क्या कोतोची मामा और बाकी सब लोगों के अपराध देख रहे थे दलाली की कुछ गुंजाइश थी उसमें तो 7 साल आपने नहीं किया और देश के हित के लिए सुरक्षा के लिए हमने कदम उठाया और उस पर आपने झूठा आरोप लगाया और वो सब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया तो अब तो मानना चाहिए रूपाणी जी आपने बोला कि उड़ीसा की मुख्यमंत्री गुजरात गए और आप यहाँ आए और ये कोइंसिडेंस है ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या इसमें और कोई पॉलिटिकल मैसेज भी सर अभी देश में चीफ मिनिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है क्या बोलने दीजिए देखिए मैं तो भारतीय जनता पार्टी नेशनल हमारे सब वरिष्ठों ने जो योजना बनाई 70 से ज्यादा शहरों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस राफेल के बारे में किया जाए इसकी जनता को पता चले तो उसी कार्यक्रम के अनुसार में आया गुजरात की चुनाव अभी तो नहीं है कुछ उड़ीसा की चुनाव आ रही है इसलिए 19 साल के बाद गुजरात में बसे हुए उड़ीसा वासियों की आज याद यहाँ के मुख्यमंत्री को आई है मैं उनको गुजरात में स्वागत करता हूँ और वो पहली बार 19 साल में पहली बार गुजरात आए हैं वो भी चुनाव आ रहे हैं इसके आए हैं फिर भी मैं उनका स्वागत करता हूँ सर आप तो यहाँ हैं वहाँ स्वागत करने में कौन है अरे हमारी गुजरात की जनता है जो भी सूचना मिली है अभी तक 50% जनसाधारण को मिला है और ये बात हुई है कि ये बोकर से लेकर राफेल क्यों इतना आता है और आगे क्यों जाता है ये क्या है पार्लियामेंट में ये क्यों नहीं होता है कि और इसके बाद कोई करप्शन नहीं हुए कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि आप बता सकते हैं कि राफेल डील में क्या हुआ ये तो ओनली 8.7% टोटल पॉपुलेशन को मालूम है तो अभी जो हो रहा है वो आगे होगा या नहीं दूसरा कोई डील होगा ये सब राफेल डील में कुछ कपड़ा नहीं हुआ है एयरपोर्ट में तो कपड़ा हुआ है ये दोनों अलग अलग है और राफेल में कुछ नहीं हुआ है इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक है वो क्लियर क्रिस्टल क्लियर है और उन्होंने क्लीन चिट दिया है जैसे मैंने बताया कि स्पेक्ट्रम जो कपड़ा हुआ जिस तरीके से हेलीकॉप्टर खरीदी में कपड़ा हुआ कोयला में कपड़ा हुआ रेलवे में रेलवे मंत्री के भांजा ने कब्जा किया था उसको इस्तीफा देना दिया मनमोहन सिंह की सरकार में और ये सब सुप्रीम कोर्ट ने बताने के बाद एक्शन लेना पड़ा था यूपीए को यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है तो ये बात एक अलग है कांग्रेस देश की तरक्की को रोकने के लिए प्रत्येक बात को विवाद में ढसड़ने की उनकी प्रयत्न था क्योंकि 5 साल में मोदी जी परफॉर्म न कर सके और राफेल का मामला मैंने बताया 2007 से शुरू हुआ 2014 तक उन्होंने कुछ नहीं किया और उसका भी देश की जनता के सामने बताए क्यों नहीं किया आप लोगों ने क्या उसमें तकलीफ थी क्या कोई दलाली कहीं नहीं हुई थी और उसके बाद देश की सुरक्षा के लिए राफेल जरूरी था लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखिबा पाई आम चैनल को लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन प्रेस करूँ और शेयर मध्य करूँ।